हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करें संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.4। इससे पहले हमने 1.3 तक हमने 8 वीडियो अपलोड कर ली है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे पीछे जो लिंक दे रखा है उस पर जाके क्लिक कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आगे समय आ गया तो यहाँ पे हम 1.4 में क्या पढ़ेंगे आज कि संज्ञा रेखा पर वास्तविक संज्ञा का निरूपण। इससे पहले हमने 1.2 में हमने पढ़ा था कि संज्ञा रेखा पर जो अपरिमेय संज्ञा उसका निरूपण किया था। ठीक है, तो आज हम वास्तविक संज्ञाओं का निरूपण करेंगे जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संज्ञा होगी, जिसमें शांत दशमलव प्रसार और अनुसरणीय आवर्ती फलन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें दो वस्तुओं की जरूरत होती है जो हमें इस प्रक्रम को करने के लिए काम आती है, और इस प्रक्रम का जो नाम है उसका नाम मैं दे रहा था उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। ठीक है, तो उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम में नाम दे रहा हूँ, इसके लिए हमें दो वस्तुओं की जरूरत होगी जिसका नाम होगा एक स्केल और एक होगा आवर्धन सीसा। ठीक है, जिसका नाम होगा स्केल आवर्धन उत्तरोत्तर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास जो वस्तु है उसके लिए एक तो होगा हमारे पास आवर्धन सीसा, आवर्धन सीसा, और दूसरी होगी बेटा स्केल। ये आवर्धन सीसा है वो उसी का काम करता है जिस प्रकार हम कोई फोन में फोटो खींचते हैं या सेल्फी लेते हैं, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे उस फोटो या सेल्फी जो है हम सेल्फी लेते हैं या फोटो, और उसको क्या करते हैं जूम आउट और जूम इन, क्या करते हैं जब हमारी फ़ोटो ली सामने या कैमरा लिया और फोटो ली और तो यहाँ पे उसको क्या करते हैं जूम, जूम आउट और जूम इन। ठीक है, प्लस पे जूम करते हैं और महीन से महीन बारीक से बारीक से देखते हैं कि हमारे चेहरे पे कोई दाग तो नहीं है या फिर दूसरी चीज़ तो नहीं है। तो ठीक है, इन ऐसा कैसा ये भी आवर्धन सीसा भी काम करेगा। ठीक है, और आवर्धन सीसा, अगर मैं आवर्धन सीसे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्या इस प्रकार का क्या होता है एक लेंस होता है। किस प्रकार का लेंस, जैसे हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होती है, ज्योमेट्री बॉक्स नए नए लेके आते हैं और उसके अंदर एक आवर्धित सीसा होता है वो इस प्रकार का बना होता है, इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार, और हम उससे क्या करते हैं जो अंदर वाली जो कोई भी चीज़ें होती है छोटी से छोटी चीज़ उसको देखने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, आगे समझ आ गया। जैसे हम पहले इसका उपयोग ज़्यादातर छोटे बच्चे थे तब यहाँ पर क्या करते थे, कागज़ को इकट्ठा करते थे, उस कागज़ के ऊपर वो आवर्धित सीसा रखते थे, जब सूर्य की लाइट या प्रकाश उसकी किरणें जब इस आवर्धित सीसे पे आके इकट्ठी होती तो इसके नीचे जो कागज़ पड़ा रहता है उसमें आग लगा दिया जाता है। इनसे हमने बहुत ज़्यादा खेल खेला है। ठीक है, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, आगे समझ गया। जिससे और ये और दूसरा किसका काम करता है, जूम आउट। ठीक है, यानी कि जूम करने का काम करता है। ठीक है, यानी छोटी से छोटी चीज़ देखने में इनका उपयोग होता है। ठीक है, स्केल का तो हम उपयोग लेते हैं, स्केल के बारे में तो हमें बताइए। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में उपयोग करेंगे और हम वन बाई वन बार बार आवर्धन करके, बार बार आवर्धन प्रक्रम का उपयोग करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे संज्ञाओं का जो दे रखी है वास्तविक संज्ञा उनको संज्ञा रेखा पर क्या करेंगे निरूपण करेंगे। आगे समझ गया। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया कि यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिख दिया 2.1 तो ये किन किन बीच संज्ञाओं के बीच स्थित है, तो हमें स्पष्ट तौर से पता है कि जो 2.1 है वो 2.1 दो और तीन के बीच स्थित है। किन के बीच स्थित होगा, 2.1 और 2.3, 2.1 जो है वो दो और तीन के बीच स्थित होगा। अगर मैं यहाँ पे मैं किसकी बात करूँ 7.5 की, तो हमें स्पष्ट देखने से पता चला कि जो 7.5 है दो संज्ञाओं के बीच स्थित है। ठीक है, एक तो तुम्हारा 7 और एक तुम्हारा क्या है 8 के बीच, इन दोनों संज्ञाओं के बीच स्थित। अगर इसी में अगर मैं किन की बात करूँ, अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2.21, अगर इसकी बात कर लिया तो ये किन के बीच स्थित होगा। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये जैसे कि मान लो यहाँ पे ये है जो 2.2 है वो तो हमें पता है कि 2 और 3 के बीच स्थित है, लेकिन 2.4 ले लिया, सपोज यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ले लिया मैंने 2.4 और 3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे बता नहीं ये किन संज्ञाओं के बीच स्थित है, तो हमें पता है पहले अगर मान लो इस 3 को भूल जाओ तो यहाँ पे 2.4 की बात करूँ, मैं 2.4 की बात करूँ सिर्फ, तो हमें पता है कि ये 2 और 3 के बीच स्थित होगा। 2.4 किन के बीच स्थित है, 2 और 3 के बीच। अगर मैं 3 की भी बात कर लूँ, यहाँ पे 3 रख दूँ और यहाँ पे 2.43 की बात करूँ, तो हमें पता है कि ये 2.41 व 2.49 के बीच स्थित होगा। तो 2.4
चार एक और 2.49 के बीच 2.43 स्थित होगा। ठीक है, आगे समझ गया। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे एक और संख्या रख दूँ, जैसे यहाँ पर रख दिया मैंने 6 रख दिया या 7 रख दिया, अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि 2.43 ये किन के बीच स्थित होगा, तो यहाँ पे मैं इनकी वापस जूम आवर्धन शीशा है उसकी उसका उपयोग करके मैं इसको वापस जूम करके देखूँगा, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं कि इसका वापस इसको यहाँ पे 2.431 व 2.439 इनके बीच स्थित होगा। यहाँ पे क्या होगा 2.43937। ठीक है, और ये चीज़ आ कैसे रही है, बीच बीच वाली संख्या ये आ कैसे रही। ठीक है, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक से यहाँ लेकर 2.41 2.49 2.431 2.439 यहाँ पे मैंने एक लिखा या नौ लिखा, यहाँ पे एक लिखा या नौ लिखा, इनका मतलब ये हुआ बेटा कि इनको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनको मैं टोटली क्या कर रहा हूँ, मैं इनको 10 भागों में बांट रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्केल होती है एक हमारे पास, स्केल को क्या करते हैं हम, स्केल एक से जीरो से एक सेंटीमीटर, एक से दो सेंटीमीटर के बीच 10 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 10 भाग होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी मैं जब स्केल के जैसा यहाँ पे एक बना दूँ, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे क्या देखना है 0, 1, 2 और 3। ठीक है, और मुझे देखना 2.4 किन किन के बीच होगा, यहाँ पे तो इसके 10 भाग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भाग। ठीक है, तो यहाँ पे 10 भाग किए, 2.4 की बात करनी है तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ गया, यहाँ पे 10 भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाई वन में एग्जाम्पल लेके चलूंगा, आवर्धन शीशे का उपयोग करूंगा, स्केल का उपयोग करूंगा और चलते जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूँ अगर किताब से ही, सारे में उदाहरण करूंगा इसके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर में। इसमें 4.4 के 2-1 सवाल दे रखे और दोनों सवाल में यहाँ पे करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है पहला सवाल जो हमें उदाहरण दे रखा। ठीक है, उदाहरण की बात कर रहा हूँ मैं, उदाहरण का नाम नहीं है बेटा, या जो क्वेश्चन में सवाल दे रखा उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2.665 इसको क्या करना है, संज्ञा रेखा पर निरूपण करना है। क्या करना है, संज्ञा रेखा पर निरूपण करना, संज्ञा रेखा पर क्या करना है, निरूपण करना। तो हमें वही चीज़ें कि यहाँ पे आवर्धन शीशा और स्केल का उपयोग करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा इसको। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, चरण नंबर फर्स्ट हमें पता है कि यहाँ पे 2.665 है, वो हमें एग्जैक्टली पता है किन किन के बीच स्थित है, ये 2 व 3 के बीच स्थित है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक स्केल ली, स्केल को यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, यहाँ पे इसको छोटा बना देता हूँ। ठीक है, ये 3 इनके बीच ही कहीं ना कहीं 2.665 स्थित होगा। ठीक है, चरण नंबर फर्स्ट ये क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे मैं किसकी बात करूँ, मैं 2.6 चरण नंबर सेकंड में मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2.6 की बात करूँगा, ओनली ऑन 2.6 की बात करूँगा। तो हमें पता है कि 2.6 2 और 3 के बीच स्थित है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 2 और 3 के बीच 10 भाग करूँगा। यहाँ पे क्या कितना भाग करूँगा, 10 भाग करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कर लिया आवर्धन शीशा, लिया मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने आवर्धन शीशा, और आवर्धन शीशा के लेके मैंने क्या किया यहाँ पे 10 भाग कर दिया। कैसे भाग कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने 2 और यहाँ लिख दिया मैंने 3, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9। ठीक है, आगे समझ गया, मैंने ये चीज़ें ले ली और इसका क्या कर रहा हूँ मैं, ये आ गया 2.6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2.6 आ गया और वापस इसको मैं करूँगा, ये रहा हमारे पास 2.6। अब 2.6 ये है हमारे पास आवर्धन शीशा, 2.6। अगर चरण नंबर अगर मैं अगला लूँ, मैं कौन सा लूँ, तो चरण नंबर तीसरा लूँ अगर, और चरण नंबर तीसरी की बात करूँ कि यहाँ पे 2.66 की बात करूँगा, किसकी बात करूँ, 2.66 की, तो 2.66 की बात करूँगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि 2.66 किन किन के बीच स्थित होगा, 2.6 और 2.7 के बीच स्थित होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2.6 यहाँ लिख दिया मैंने, 2.6 तो यहाँ लिख दिया ये वाला स्टेप। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया 2.67। ठीक है, इनका मैं क्या करूँगा, 10 भागों में क्या करूँगा, मैं विभाजित करूँगा। तो कर लेता हूँ यहाँ पे
इसको मैं स्केल से देखना चाहता हूँ, दो पॉइंट छः एरा आवर्धित किया हमने, किससे? आवर्धन शीशे की सहायता से, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, जूम किया, और जूम करने पर 2.6 ही आ रहा, और 2.7 ही आ रहा, ठीक है, आगे समझ, 2.7। और इसको 10 टुकड़ों में बांटना हमें, तो यहाँ पे बांट लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66 और 2.67 और यहाँ पे 2.68 और 2.69 और यहाँ पे 2.7 हो गए, ठीक है, आगे समझ गया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2.66 की बात करनी थी, यहाँ पर ये रहा 2.66, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ से चले थे और यहाँ से हमारी गाड़ी कहाँ आई है, यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ तक लाइन आ गई हमारे पास। यहाँ इस लाइन को मैं बाद में बना लूँगा, क्या करूँगा, बाद में बना लेंगे, अभी थोड़ा पॉइंट में थोड़ा इधर से उधर हो सकता है, ठीक है। आगे 2.6 और यहाँ पे 2.66 और 2.6, ठीक है, आगे समझ गया। और 2.66 ये रहा हमारे पास, तो इसको मैं वापस आवर्धित शीशे से जब इसको 10 भागों में वापस बांटूंगा, तो हमें पता है कि जो चरण नंबर 34 है, चरण नंबर कौन सा 34 है, वो दो चरण नंबर 34 में हमें देखना है 2.665 को देखना, 2.665 को देखना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वापस इसी को कितने भागों में बांट रहा हूँ मैं, 10 भागों में, किसको, 2.66 और 2.667 को 10 भागों में बांटूंगा, वापस कितने भागों में बांटूंगा, 10 भागों में, ठीक है। तो वापस इसको जूम आउट किया मैंने, यहाँ पे जूम आउट किया और यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसको 10 भागों में अच्छे से बांट देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2.66 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2.67, ठीक है। और इसको मैंने ये यहाँ पे लाइन खींच ली और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख दिया 2.661, 2.662 और 2.663, फिर बाद 2.664 और फिर बाद 2.665 और फिर बाद 2.666 और यहाँ लिख दिया मैंने 2.667 और यहाँ लिख दिया 2.668 और यहाँ लिख दिया 2.669 और 2.67, ठीक है, आगे समझ गया। यानी कि यहाँ पे जब मैं स्केल से यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा 2.66 और 2.67 की बात करूँ तो ये रहा 2.67, ठीक है, इनके मध्य 2.665 ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहा, तो यहाँ पे देख लो, ये 2.6 यहाँ से स्टार्ट किया चरण नंबर फर्स्ट, एक 2.665 की बात की तो हमने बताया कि ये 2 और 3 के बीच स्थित होगा, और यहाँ पे जब मैंने वापस जूम आउट किया और इसको 2 और 3 को 10 भागों में बांट दिया मैंने, क्या करते 2 और 3 को 10 भागों में बांटा मैंने, और यहाँ पे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, तो यहाँ पे हमें पता है कि 2.6 है वो कहाँ पे स्थित होगा, ये अगर मुझे 2.66 की बात करनी है मुझे, तो यहाँ ये कहाँ पे स्थित होगा, तुम्हारा 2.6 और 2.7 के मध्य होगा। तो 2.6 और 2.7 को भी मैंने कितने भागों में बांट दिया, 10 भागों में बांट दिया। 10 भागों में बांटने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कि 2.66 और 2.67 के मध्य ये जो चीज़ है वो स्थित होगी, 2.6 ये रहा, 2.66 तो ये रहा, ठीक है। अब मुझे वापस 2.665 की स्थिति जाननी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2.66 और 2.67 के मध्य 2.665 होगा, तो इसको 2.66 और 2.67 को भी वापस 10 भागों में बांटूंगा, क्या करूँगा मैं, 10 भागों में बांटूंगा। तो मैंने 10 भागों में बांटा यहाँ पे, और यहाँ पे देखा कि 2.66 और 2.67 को 10 भागों में बांटने पर 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665 ये स्थिति बन रही है यहाँ पे, ये हमारे पास ये स्थिति बन रही है। इसको जूम आउट करके देख सकते हैं वापस, जूम आउट करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, आगे समझ आ गया। तो बार बार हमने जूम किया इसको आवर्धन शीशे की सहायता से, तो ठीक है, तो हमारे पास 4 स्टेप आए टोटली और यहाँ पे ये स्थिति प्राप्त हो गई, ठीक है। संज्ञा रेखा पर इसका क्या हो गया, निरूपण हो गया, आगे समझ गया। अगर इसमें किसी भी प्रकार की डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और आगे वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उदाहरण नंबर कौन सा है, 11। उदाहरण नंबर में अगर उदाहरण नंबर 11 की बात करूँगा तो ये भी इसी प्रकार का, ठीक है। तो देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, और कमेंट में कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, उसका जवाब 100% मिलेगा, ठीक है, आगे समझ आ गया। तो देखते हैं आगे वाला उदाहरण नंबर 11। मिटा देता हूँ।
संज्ञा रेखा पर उदाहरण है बेटा 11, और यहां लिख रहा हूं संज्ञा रेखा पर, संज्ञा रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, 5 दशमलव स्थानों तक, 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.377 अर्थात 5.3777 और ये 7, ठीक है, ट्रिपल तक का निरूपण कीजिए, या 5.37 का निरूपण कीजिए, निरूपण कीजिए। आगे समझिए क्या कह रहा बेटा सवाल, कि संज्ञा रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.3777 या 5.37 के ऊपर बार का संज्ञा रेखा पर क्या करना है, निरूपण करना, ठीक है। तो वही वाला स्टेप है कि हमें सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में ही पता हो जाना चाहिए कि यहाँ लिख देता हूँ मैं हल, और स्टेप नंबर फर्स्ट में पता हो जाना चाहिए कि जो स्थिति है हमारे पास 5.3777 की वो किन किन संज्ञाओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 5.37 संज्ञा बिंदु संज्ञा रेखा के बिंदु 6वां बिंदु 5वां 6 के मध्य होंगे, के मध्य स्थित होंगे, स्थित होंगे। आगे समझ गया, इनके मध्य ये स्थित होंगे। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, ये बना दिया, और यहाँ पे मैं 3.5 पॉइंट यहाँ लिख दिया 5, और यहाँ लिख दिया मैंने 6, और यहाँ पे स्थिति होगी यहाँ पे 5.37 के ऊपर ये बार। आगे समझ गया, ठीक है। और मैं इसको करूँगा आगे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व, ठीक है। तो हमें पता है कि ये 5 और 6 के बीच स्थित है, तो 5 और 6 के बीच जो संज्ञा है उनको 10 भागों में बांटूंगा, क्या करूँगा 10 भागों में बांटूंगा, तो 10 भागों में बांट दूँ। ये चरण नंबर फर्स्ट था, चरण नंबर सेकेंड की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे किसकी स्थिति बतानी है, चरण नंबर सेकेंड में यहाँ पर मुझे 5.3 की स्थिति बतानी, किसकी बतानी है, 5.3, ये 5.3 इन्हीं संज्ञाओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ ये बना दिया, मैंने यह लिख दिया मैंने 5, और यह लिख दिया मैंने 6, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 और 5.8 और 5.9, और ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा टोटली 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कि यहाँ पे 5.3 की स्थिति बतानी, 5.3 की स्थिति ये रही 5.3, दिख गया आपको 5.3 कब हुआ, जब यहाँ पे हमने आवर्धन शीशे को क्या किया है रखा, और इसको मैंने क्या किया यहाँ पे आवर्धन शीशे को रखा और जूम करके देखा तो ये थी यार, ठीक है। तो यहाँ पे 5.3, अब मुझे यहाँ पे 5.3 की स्थिति ये दिख रही है, लेकिन मुझे चरण नंबर अगले में करना है, चरण नंबर तीसरे में मुझे क्या करना है 5.37। अब 5.37 की स्थिति होगी वो किन किन संज्ञाओं के बीच होगी, 5.3 और 5.4 के बीच होगी। जब इसको वापस आवर्धित शीशे को उपयोग लूँगा मैं और देखूँगा कि जो 5.37 है वो किन किन संज्ञाओं के बीच है, 5.3 और 5.4 के बीच स्थित होगी। तो यहाँ पे रखूँगा वापस मैं आवर्धन शीशा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको वापस जूम करूँगा, और जूम करके इसको भी मैं किसके कितने भागों में बांटूंगा, 10 भागों में बांटूँ, कितने भागों में बांटूंगा बेटा 10 भागों में। तो यहाँ बांट लेता हूँ मैं 10 भागों में, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बेटा 5.3, और यहाँ लिख दिया मैंने 5.4, कितना लिख दिया बेटा मैंने 5.4, और यहाँ पे मैंने लिखा 5.31, 5.32, 5.33 और 5.34, 5.35 और 5.36, 5.38 और 5.39 और
यहाँ पे हो गया टोटली पूरा, ठीक है। यानी कि टोटली हमारे पास 5.37 की स्थिति कहाँ पे बन रही है, ये रही 5.37 की स्थिति यहाँ बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे निशान करके बता दिया तुमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कि चरण नंबर अगर मैं 4 की बात करूँ मैं, और चरण नंबर 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5.33 की 5.377 की स्थिति बतानी है। चरण नंबर 4 में मुझे 5.377 की स्थिति बतानी है, तो 5.377 किन किन संख्याओं के बीच स्थित होंगे, 5.37 और 5.38 के बीच स्थित होंगे, ठीक है। आगे समझ गया, तो 5.38 और 5.37 के बीच किसकी स्थिति होगी, 5.377 की स्थिति होगी। तो इसको भी क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा मैं, यहाँ पे रखूँगा आवर्धन शीशा, और इसको क्या करूँगा वापस जूम आउट करूँगा, क्या करूँगा जूम आउट करूँगा, और जूम आउट करने के बाद, ठीक है, और जूम आउट करने के बाद वापस इसको मैं क्या करूँगा 10 भागों में बांटूँगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5.37 और यह लिख दिया मैंने 5.38, और इसको मैंने 10 भागों में बांट दूँ, यहाँ पे यह लिख दिया 5.371 और 5.372, यहाँ लिख दिया 5.373 और यहाँ लिख दिया 5.374, यहाँ लिख दिया 5.375 और यहाँ लिख दिया मैंने 5.376 और यहाँ लिख दिया मैंने 5.377 और यहाँ लिख दिया 5.37778 और यह लिख दिया मैंने 5.37779। आगे समझ गया, हमें यहाँ पे स्थिति 5.377 की ज्ञात करनी, तो यहाँ पे रहा 5.377। आगे समझ गया, ये यहाँ पे ये रहा, मुझे यहाँ पे 5.37777 यानी कि 777 की बात करनी है, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा चरण नंबर 5, और चरण नंबर 5 में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि 5.37777777 की बात करूँगा मैं, वापस आवर्धन शीशा किन किन के बीच होगा, यहाँ पे जो बिंदु होंगे वो 5.337 और 5.378 होगा, ठीक है। आगे समझ गए, इनके बीच में क्या करूँगा आवर्धन शीशा वापस लगूँगा यहाँ पे, और फिर बाद में यहाँ पे क्या करूँगा जूम आउट करूँगा, इनको क्या करूँगा वापस जूम आउट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा 5.377 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5.378 लिख दिया, ठीक है। और इसको मैंने कितने भागों में बांट लिया, 5.371 और 771 और 5.377 5.37 हो गया बेटा तुम्हारे 5.3774, यहाँ पे हो गया 5.3775, यहाँ हो गया 5.3776, यहाँ पे हो गया 5.3777 और यहाँ पे हो गया 5.3778 और यहाँ पे हो गया 5.3, यहाँ पे हो गया बेटा 5.3779, ठीक है। आगे समझ के यहाँ पे हमारे पास टोटल स्थिति आ गई 5.377777 की बात करनी, तो ये रहा हमारे पास 777, ये यहाँ पे ये रहा, ठीक है। आगे समझ गया, और वापस इसको जूम आउट करूँगा और यहाँ चार बार 7 की बात करूँगा यहाँ पे, यानी 5.377777 की बात करूँगा, तो एक बार वापस इसको यहाँ पे क्या करूँगा जूम आउट करूँगा, इसको क्या करूँगा जूम आउट करूँगा, और जूम आउट करने के बाद जब जूम आउट करूँगा मैं इसको, तो देखूँगा यहाँ पे कि चरण नंबर 6, चरण नंबर किसकी बात करूँगा मैं 6 की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा चरण नंबर 6 की, और चरण नंबर 6 में मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि 5.37777777, ठीक है। यानी कि 4 बार 7, आपकी बार कितने बार 4 बार 7 है, तो और इसको मैं आवर्धन शीशे की सहायता से क्या करूँगा जूम आउट करूँगा और देखूँगा कि यहाँ पे 5.377 की स्थिति कहाँ बन रही है, तो यहाँ लिखा मैंने 5.377 और यहाँ पे लिखा 5.3777 और यहाँ पे लिखा मैंने 5.3778 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इनके बीच हमारे पास जो स्थिति बनेगी वही होगी हमारे पास जो एग्जैक्टली संख्या रहेगा पर 5 दशमलव स्थानों तक, अर्थात 5.3333 या 5.3 बार का निरूपण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसके नंबर
दस भागों में बांटा इसको 5.377712 5.377772 और यहाँ पे लिखा 5.377773 और यहाँ पे लिखा 5.377774 यहाँ पे लिखा 5.377775 और यहाँ लिखा 5.377776 और यहाँ लिखा मैंने 5.377777 और यहाँ पे लिखा मैंने 5.377778 और यहाँ लिखा मैंने 5.377779। ठीक है, तो हमें जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ आ गई यहाँ पर 5.377777। ठीक है, इस बात को थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, 5.377 यानी 4 बार 7 है, टोटल 5 दशमलव स्थान तक करना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे समा गया तो हमें इस चीज़ का हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, आवर्धन शीशा रख देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इस पे लाइनिंग करना चाहते हैं, अगर इस पे लाइनिंग करना चाहते हैं कि 5 और 6 कहाँ है, तो स्केल के माध्यम से यहाँ पे 5 ये रहा और 6 ये रहा। और ये 5.3 की बात करूँ तो यहाँ से मैं अगर स्केल से यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आया। अगर मैं 5.3 और 5.4 की बात करूँ तो स्केल की सहायता से यहाँ पे 5.3 और यहाँ 5.7 ये रहा। ठीक है, आगे समझ गया। और यहाँ पे 5.3 और 5.37 की बात करूँ तो ये यहाँ पे यहाँ से मैं इसको स्केल के माध्यम से इसको ऐसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर वैसे ज़्यादा गांठ साठ होती तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हमें दिख रहा है इस पर से इस पे ऊपर आवर्धन शीशा रखा हुआ है तो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 5.37 की बात करूँ तो ये रहा 5.37 और 5.38 की बात करूँ 5.38 ये यहाँ रहा। ठीक है, आगे समझ गया। तो देखते हैं यहाँ पे 1/1 ये 5.3। ठीक है, यहाँ पे रखा मैंने ये और यहाँ पे मैंने इस चंदे की सहायता या प्रकार की सहायता से मैंने यहाँ पे लिया और इसको मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, ज़्यादा गांठ साठ हो रही है इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, बाकी तुम्हें समझाना कि यहाँ पे 5.377777 की स्थिति यहाँ पे ज्ञात हो चुकी है। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन आंसर की, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन दे रखे, ये एग्जाम्पल नंबर 11 था और देखते ही उस क्वेश्चन में किस किस के बारे में से क्या रखा गया, निर्गुण के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अगर पढ़ने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उत्तरोधन आवर्त के संख्या रेखा पर 3.765 का निरूपण कीजिए या देखिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन की उत्तरोधन आवर्तन करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न वाले 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तरोत्तर आवर्तन करके, उत्तरोत्तर आवर्तन करके, उत्तरोत्तर आवर्तन करके संज्ञा रेखा पर संज्ञा रेखा पर 3.765 को देखी। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से करते हैं इसको। ठीक है, बार बार उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम का उपयोग करेंगे। तो ये हल लिख रहा हूँ इसका मैं, और हल में मैं क्या कर रहा हूँ कि 3.765 की स्थिति संज्ञा रेखा के बिंदु 3 व 4 के मध्य हैं। ठीक है, जो 3.765 है उसकी स्थिति कहाँ पर स्थित होगी, 3 व 4 के मध्य। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा बना लिया, यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3.765। ठीक है, चरण नंबर फर्स्ट की मैं बात करूँगा, चरण नंबर फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रखूँगा मैं आवर्धन शीशा पूरे पर, 3 और 4 के ऊपर मैं क्या रखूँगा, आवर्धन शीशा रखूँगा और आवर्धन शीशे के हिसाब से मैं इसको क्या करूँगा, 10 भागों में बांटूँगा, 3 और 4 को के बीच वाले भाग को 10 भागों में बांटूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 3.7 की स्थिति जानना, सबसे पहले मैं किसकी स्थिति जानूंगा, 3.7 की। ठीक है, फिर बाद 3.76 की, फिर 3.765 की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3 और यहाँ पे लिखा मैं 4, इसको कितने भागों में बांटा बेटा, 10 भागों में बांटा। यहाँ लिखा मैंने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
और 3.9। आगे समय के 10 भागों में बढ़ चुका है और आगे मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3.7 की स्थिति हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पे रहा, कहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा। तो हमें ये भी पता है कि तो 3.76 है उसकी स्थिति भी कहाँ पे होगी, 3.7 और 3.8 के बीच होगी। तो मैं आवर्धन शीशा लेके क्या करूँगा, इसको जूम आउट करूँगा, ठीक है, और जूम आउट करके यहाँ पे देखूँगा कि 3.7 और 3.8 के बीच की जो स्थिति है उसको भी 10 भागों में बांटूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चरण नंबर दो और यहाँ पे 3.76 की बात करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको कितने भागों में बांटूँगा बेटा, 10 भागों में बांटूंगा। कितने भागों में बांटूंगा, 3.7 को और 3.8 के मध्य वाले भाग को, 3.8 के मध्य वाले भाग को कितने भागों में बांटूंगा, 10 भागों में बांटूंगा। तो यहाँ पे लिखा बेटा मैंने 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 और 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। हमारे पास हमें ज्ञात करना था कि 3.76, तो 3.76 ये रहा, ठीक है। तो 3.76 की स्थिति ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें आगे इसके बाद में 3.765 की भी ज्ञात करनी है। तो अगले जो स्टेप है, अगला जो चरण है, उसमें मैं क्या करूँगा, 3.76 और 3.77 को कितने भागों में बांटूँगा, 10 भागों में बांटूँगा। तो यहाँ पे रखूँगा मैं आवर्धन शीशा, और आवर्धन शीशे के हिसाब से के माध्यम से मैं क्या करूँगा, इसको 10 भागों में बांटूँगा। तो यहाँ पे 3.76 और 3.77 को भी मैं 10 भागों में बांट रहा हूँ, और चरण लिख रहा हूँ मैं आगे वाला तीसरा, चरण लिख रहा हूँ मैं आगे वाला तीसरा, और यहाँ लिखा मैंने 3.765, 3.765 को यहाँ पे 10 भागों में बांटने के लिए मैं यहाँ पे 3.77 को मैं 10 भागों में बांटने के लिए यहाँ पे क्या बनाई, वापस संज्ञा रेखा बनाई, क्या बनाई, वापस यहाँ पे संज्ञा रेखा बनाई 3.76, और इधर लिखा मैंने 3.77, और इसको मैं 10 भागों में बांटने के लिए यहाँ पे क्या लिखूँगा, 3.761, 3.762 और यहाँ लिखा मैंने 3.763 और यहाँ पे लिखा मैंने 3.764, यहाँ पे लिखा 3.765 और यहाँ लिखा मैंने 3.766 और यहाँ लिखा मैंने 3.767 और यहाँ लिखा मैंने 3.768 और यहाँ पे लिखा 3.769 और 3.77 ये है, ठीक है। और मैं यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे 3.765 की स्थिति ये रही। हमें यही ज्ञात करना था कि संज्ञा रेखा पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संज्ञा रेखा पर 3.765 को देखिए। तो यहाँ पे हमें दिख गया है 3.765 ये रहा यहाँ पे, ठीक है। हमने बार बार आवर्धन उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम का उपयोग किया और यहाँ पे देखा। अगर मैं इसको वापस स्केल के माध्यम से छोटा से बड़ा करके देखना चाहता हूँ, तो ये रहा हमारा तीन और चार। तो यहाँ पे 3 और 4 को मैंने जब बड़ा करके देखा तो यहाँ पे वापस 3.7 और 3.8 आया, 3.7 ये रहा और 3.8 ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे 3.7 ये रहा और 3.76 ये रहा। तो इसको भी स्केल के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे मिला सकता हूँ। वापस 3.76 और 3.75 स्केल के माध्यम से यहाँ पे मैं इसको लाइनिंग करके बता सकता हूँ। और 3.76 ये रहा हमारे पास 3.76 और ये है हमारा 3.77। आगे समझ गया। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा बेटा चार दशमलव स्थानों तक संज्ञा रेखा पर 4.26 का देखिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे चार दशमलव स्थानों तक संज्ञा रेखा पर
संज्ञा रेखा पर 4.26 को यहाँ पे लिखा मैंने हल, और हल में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि 4.26 की स्थिति, अर्थात यहाँ पे 4.2626 की स्थिति संज्ञा रेखा के बिंदु 4 व 5 के मध्य होगी। किन के बीच होगी बेटा? 4 और 5 के मध्य होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले चरण नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ, और चरण नंबर फर्स्ट लिखने के बाद यहाँ लिखा है मैंने बेटा 4 लिखा, और यहाँ लिखा 5, और यहाँ लिखा 4.26 के ऊपर 5, इनके दोनों के बीच स्थित होगी। अर्थात मैं जब आवर्धन शीर्षा 4 और 5 पे रखूँगा और इसको 10 भागों में बांट दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चरण नंबर सेकंड, और चरण नंबर सेकंड में सबसे पहले मैं 4.2 की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा बेटा? 4.2 की। और यहाँ से लिखा मैंने ये 4, और ये लिखा मैंने 5, और इसको मैंने क्या कर रहा हूँ 10 भागों में बांट रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ इसको 10 भागों में बांट रहा हूँ। और यहाँ पे 4.1 लिखा, 4.2 लिखा, 4.3 लिखा, 4.5 लिखा, 4.6 लिखा, 4.7 लिखा, 4.8 लिखा, और ये फिर 4.9 लिखा, और 4. और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 5 हो गया, ठीक है। आगे समझ, 10 भागों में बांट दिया हमने 4 को, 4 और 5 के मध्य भाग को। और यहाँ पे हमें 4.2 की स्थिति ज्ञात करनी है। 4.2 की स्थिति ये यहाँ पे रही, ठीक है। और यहाँ पे 4.2 की स्थिति तो हमारे पास ये रही, लेकिन हमें 4.26 की भी बात करनी है। तो हमें पता है कि 4.26, 4.2 और 4.3 के मध्य होगा। तो यहाँ पे रखूँगा वापस आवर्धन शीशा, और आवर्धन शीशा रख के यहाँ पे क्या करूँगा, इसको वापस जूम आउट करूँगा। जूम आउट करने के बाद हमें इसको जूम आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वापस 4.2 और 4.3 को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो वापस देखते हैं यहाँ पे चरण नंबर 3, और चरण नंबर 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, 4.26 की स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ मैंने बनाया यहाँ स्केल, और यहाँ पे लिखा 4.2, और यहाँ लिखा मैंने 4.23, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको जानने की कोशिश करूँगा 4.2 और 4.3। एक मिनट बेटा, यहाँ पे 4.3 लिखूँगा, ठीक है बेटा, 4.3 लिखूँगा, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँ, 10 भागों में बांटता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, बांट के देखते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा मैंने 4.21, 4.23, 4.2, 4.1, 4.22, 4.23, यहाँ लिखा मैंने 4.24, और यहाँ लिखा 4.25, यहाँ लिखा 4.26, यहाँ लिखा मैंने 4.27, यहाँ लिखा मैंने 4.28, यहाँ लिखा मैंने 4.29, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी स्थिति ज्ञात की है मैंने 4.26 की, और 4.26 ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो 4.26 यहाँ पे मार्क किया, और यहाँ पे वापस मुझे क्या करना है, 4.262 की भी स्थिति ज्ञात करनी है। और 4.262 की स्थिति हमें पता है कि 4.26 और 4.27 के मध्य होगी। तो यहाँ पे वापस ये क्या करूँगा, मैं आवर्धन शीर्षा रखूँगा, और यहाँ पे इसको वापस जूम आउट करूँगा मैं, और जूम आउट करने के बाद देखूँगा कि 4.262 की स्थिति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चरण नंबर 4, और चरण नंबर 4 लिखने के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4.262 की स्थिति, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने ये, और इसको क्या कर रहा हूँ, जूम आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 4.26 यहाँ लिखा, और यहाँ पे लिखा बेटा 4.27, कितना लिखा बेटा 4.27। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 भागों में बांट रहा हूँ, यहाँ पे 4.261, 4.262 और 4.63, यहाँ लिखा मैंने 4.64, यहाँ पे लिखा 4.265, यहाँ लिखा मैंने 4.266, यहाँ लिखा मैंने 4.26667, और यहाँ पे लिखा मैंने 4.268, और यहाँ लिखा मैंने 4.269।
नौ और 4.27 यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4.26 और 4.27 को 10 भागों में बांटने पर हमें पता चला कि 4.262 ये यहाँ पे रहा, 4.262 यहाँ पे ये रहा। और हमें वापस आगे और आवर्धित करना है, इसको और जूम करना है, और तो यहाँ पे वापस आवर्धित शीर्षा रखूँगा और 4.2626 की स्थिति ज्ञात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ रखा मैंने वापस आवर्धन शीर्षा, और आवर्धन शीर्षे से वापस इसको 4.26 2 4.26 3 को कितने भागों में बांटूंगा, 10 भागों में बांटूंगा। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या है कि 4.2626 की स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करूँगा, और संज्ञा रेखा पर मैं यहाँ पे 4.2626 की स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे लिखा 4.262 और यहाँ लिखा मैंने 4.263। ठीक है, और फिर बाद में इसको 10 भागों में बांटने की कोशिश करूँगा, 4.2621 और फिर बाद में 4.2622 और यहाँ पे लिखूँगा मैं 4.2623, यहाँ पे लिखा मैंने 4.2624, यहाँ पे लिखा मैंने 4.2625 और यहाँ पे लिखा मैंने 4.2626 और यहाँ पे लिखा मैंने 4.267 और यहाँ पे लिखा मैंने 4.2628 और यहाँ पे लिखा मैंने 4.2629 और हमारे पास 4.2626 की स्थिति यहाँ पे ज्ञात हो रही है। कहाँ पे ज्ञात हो रही है, यहाँ पे ज्ञात हो रही है। ठीक है, आगे समझ आ गया, यानी बार बार उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा हमने किसकी स्थिति जानने की कोशिश की है, 4.2626 की। अगर इसको स्केल के माध्यम से मैं इसको देखना चाहता हूँ तो 4 ये रहा और ये 5 ये रहा। ठीक है, ये कर लिया और यहाँ पे मुझे क्या स्थिति प्राप्त हुई, 4.2 की स्थिति प्राप्त हुई। ठीक है, जब 4.2 4.3 को वापस जूम आउट किया मैंने तो यहाँ पे 4.2 तो यहाँ पे रहा ये, और 4.3 कहाँ पे रहा ये, यहाँ पे रहा, और वापस 4.26 की स्थिति ज्ञात कहाँ पे हुई है, ये रही हमारे पास। इस स्केल के माध्यम से हमने इसको लाइनिंग करके देख सकता हूँ मैं, और फिर बाद में 4.26 और 4.27 के मध्य मुझे 4.262 की भी स्थिति ज्ञात करनी, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4.26 की स्थिति ये रही और 4.27 की स्थिति ये रही, और यहाँ पे 4.262 की स्थिति हमें ज्ञात करनी तो यहाँ पे ये रही। ठीक है, आगे समझ गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस 4.262 को यहाँ पे 10 भागों में बांटने की कोशिश करूँगा, ये यहाँ पे रहा और यहाँ पे 4.263 ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे 4.2626 की बात ये करूँगा तो ये रहा। ठीक है, आगे समझ गया, लाइनिंग के माध्यम से इसको कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आगे वाले वीडियो देख सकते हो और आगे शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।